आज हम आपके लिए कुछ ऐसे मसालेदार न्यूज लाए हैं जिसको सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। नंबर वन, जैसा कि कुछ लोग बायकॉट पठान को ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, इसी को देखते हुए एक बंदे ने इसको कुछ अलग ही लेवल पे ले गया। वो बिना सोचे समझे बायकॉट पठान को ट्रेंडिंग कराने की कोशिश करने लगा। अब जरा आप ही सोचो कि बायकॉट पटना होने लगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। नंबर दो, ये मसालेदार न्यूज यूपी के मिर्जापुर से है। जी हाँ, वही मिर्जापुर जहाँ से मुन्ना भैया आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ट्रेन की पटरी पर रील्स बनाते रहते हैं, तभी देखते हैं कि ट्रेन आ रहा है। तभी उनके मन में खुराफाती आइडिया आता है और वो कुछ लाइक्स पाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस की 14 खिड़कियों को ही तोड़ देते हैं। और वे यहाँ ही नहीं रुकते, बल्कि इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देते हैं। बाकी अब इसके आगे का आप जानते ही होंगे कि जब कोई ऐसा हरकत करता है तो हमारे पुलिस भाई साहब उसका कैसा स्वागत करते हैं। समझ रहे हो ना? नंबर थ्री, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सेट मैक्स पर सूर्यवंशम मूवी बार बार लगाया जाता है। इस मूवी को बार बार देख परेशान होकर एक आदमी ने सेट मैक्स वालों को लेटर लिख दिया और वो इस लेटर में कुछ इस प्रकार की बातें लिखा जिसको सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। वो आदमी लिखता है कि महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके चैनल को सूर्यवंशम फीचर फिल्म के प्रसारण का ठेका प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा से हम और हमारा परिवार हीरा ठाकुर और उनके परिवार राधा गौरी और अरण्य को अच्छे रूप से जान चुके हैं। हम लोगों को सूर्यवंशम नामक फिल्म की एक्स्ट्रा इनिंग देख देख कर कंठस्थ हो चुकी है। मैं आपके चैनल से यह जानना चाहता हूं कि आपका चैनल अब तक कितनी बार इस फिल्म का प्रसारण कर चुका है, भविष्य में कितनी बार और इस फिल्म का प्रसारण किया जाएगा। यदि हमारी मानसिक स्थिति में इसका कोई विपरीत असर आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कृपया सूचना देने का कष्ट करें। नंबर फोर, ये मसालेदार न्यूज राजस्थान के जोधपुर से है। यहाँ पर एक आदमी ने अपना डिलीवरी मंगवाने के लिए एक ऐसा एड्रेस लिखा जिसको देखकर डिलीवरी वाले भी हैरान हो गए और जिसको सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, उसके एड्रेस लिखने का स्टाइल कुछ इस प्रकार है। गांव से एक किलोमीटर पहले राइट साइड अपने खेत का गेट है, लोहे का गेट है। पास में एक छोटी सी फाटक है और गेट के पास काला मुंगिया डाला हुआ है। वहाँ आके फोन कर देना, बस मैं सामने आ जाऊंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?